हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ऐप को हाइड कैसे करें। इसके फर्स्ट पार्ट में हम सीख चुके हैं कि ऐप को लॉक कैसे करें, तो इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि ऐप को हाइड कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिले इस तरह का। इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो और वेबसाइट डेवलप जैसे वीडियो अवेलेबल है। अगर आप इन सब चीज़ों को सीखना और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेटिंग के ओर और उसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने सेटिंग के ऊपर। अब इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे या नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद ऐप वाला सेटिंग ढूंढेंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा ऐप वाला। ऐप को खोलेंगे एंड ऐप लॉक में जाएंगे। ऐप लॉक में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है ऐप लॉक और इसके बगल में ही लिखा है हाइड इन ऐप। इस हाइड इन ऐप पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको सभी अपने मोबाइल के सभी ऐप शो करने लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसके ऐप के सामने सीधे एक बटन दिख रहा है, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पॉपअप ओपन होगा। अब इसमें देखिए, यहाँ ऊपर लिखा है हाउ टू फाइंड हाइड इन ऐप। यह आपको बता रहा है कि आपका ऐप जब हाइड हो जाएगा तो उस तरह उसे आप किस तरह निकाल सकते हैं। दोस्तों, उस पॉपअप का दूसरा पेज है, इसको आप चाहें तो पढ़ लीजिए अन्यथा हटा दीजिए। उसके बाद देखिए, ये सभी ऐप आपके मोबाइल के शो करने लगेंगे। आपको जिस भी ऐप को हाइड करना है उस ऐप को सीधे बटन से इनेबल डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है, इसे आप चालू कर दीजिए सभी बटन को जिस चीज़ ऐप को हाइड करना है। हाइड करने के बाद आप एक बार, मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद फिर से इसी में आकर देखेंगे, अपना लॉक डालेंगे। लॉक डालने के बाद देखिए, तीन एप्लीकेशन हमारा लॉक हो चुका है। अब इनको चलिए ढूंढते हैं। ये तो हाइड हो गया, हमारे स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। अब जब नहीं दिखेगा तो उसको देखने के लिए, अपने खुद यूज करने के लिए कैसे जानेंगे, तो इसके लिए अपने स्क्रीन पर आएंगे। स्क्रीन पर आने के बाद हमारे फ़ोन में जो विंडो ओपन हुआ है उसी में बताया था कि आप क्या करेंगे तो आपका एप्लीकेशन दिखेगा। तो हमारे फ़ोन में बताया था कि आप होम स्क्रीन पर जाइएगा और जूम कीजिएगा। जूम करने पर आपका हाइड ऐप शो करने लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और जूम करके एक बार देख लेते हैं। मैं जूम कर दिया। जूम करने के बाद अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके सभी हाइड ऐप शो करने लगेंगे। यहाँ से आपको ऐप को, जिस भी ऐप को चाहे तो यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी व्हाट्सअप की यूज़ किया। व्हाट्सअप की यूज करने के बाद फिर जूम करते हैं अपना। जूम करने के बाद अब देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, इसे फिर अनहाइड करना होगा तो क्या करेंगे। तो फिर यहाँ पर आएंगे और आने के बाद जैसे ही आप ऐप देखेंगे तो यहाँ पर राइट साइड नीचे पर लिखा है मैनेज ऐप। मैनेज ऐप पर जैसे ही दबाएंगे आपको फिर उसी जगह लेके चला जाएगा। अब वहाँ से जाके इन सब ऐपों को बंद कर दीजिए। आपका फिर से ऐप जो है आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा, दिखने लगेगा। आपको हर जिसे जहाँ चाहिए वहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे मैंने व्हाट्सएप को उठा के यहाँ नीचे रखा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और भी इस तरह के अच्छे से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं भी स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय पूरा स्क्रीन काला दिख रहा होगा तो वहाँ पर आप मेरे वीडियो को ना ध्यान देते हुए मेरे भी आवाज़ को, वॉइस को सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। क्योंकि ये काला इसलिए दिखता है स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय जब हम पासवर्ड डालते हैं या कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जो किसी को दिख में है। हमारा ही घाटा हो सकता है, उस चीज़ को स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।